गौरचंद्राय राधिकाय इष्टदाले कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः वांछाकल्पतरुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद बलहरे राम हरे राम 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 बल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नृत्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सदा श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरु पाद पद्म नृत्यलीला प्रविष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सदा श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरण सरोज किसने प्रभुपाद को प्रश्न किया मनुष्य जीवन कर्तव्य की मतलब है ये मनुष्य जन्म प्राप्त करके हमारा क्या कर्तव्य है। तो प्रभुपाद कहते हैं विचार दो तरह का है, एक प्रेय पर और एक श्रेय पर। श्रेय और अनुसंधान ही प्रयोजन है, प्रेय अति सुलभ किंतु श्रेय सहजलभ्य नहीं। श्रेय आत्मार प्रेय आते किंतु बहिर्मुख मानस की प्रेय आत्मार श्रेय नहीं। बुझते बात चल प्रभुपाद क्या कहते हैं विचार दो तरह का है, क्या विचार है कहते हैं प्रेय है और श्रेय है। कहते प्रेय और श्रेय किसको कहते हैं, कहते प्रेय उसे कहते हैं अभी जो चीज हमें अच्छी लगती है, संसार ऊपर से देखो बड़े अच्छी सुहावनी लगती है। हाँ कैसे अपना बीवी बच्चों को लेकर के लोग संसार में कैसे मस्ते हैं, हैं? और जो विषय का जो बहिर्मुख वस्तु देखना हमको ये अच्छी लगती है, विषय का बहिर्मुख चीज हमें अभी अच्छी लगती है। हाँ कितना सुंदर टीवी देखो दिन भर इधर उधर चीज देखो बाहर से बड़ी प्यारी लगती है, हैं? मैच देखते रहो इधर उधर उल्टा पुल्टा कोई खेल देखते रहो नहीं तो कोई वीडियो देखते रहो कोई देखते रहो। ये जो माई की वस्तु है संसार की वस्तु हमें बहुत अच्छी लगती है, हैं? लेकिन बोलो भगवान की भजन करो हरि नाम करो भगवान की भक्ति करो भजन करो आप देखना स्वाभाविक रूप में हमारी रुचि नहीं है, स्वाभाविक रूप में रुचि नहीं। लेकिन अगर कोई संसार की दुनियादारी की वस्तु होगा ना हमें बड़ी प्यारी लगेगी, इधर उधर की बात हो चुगली हो उधर उधर देना उससे बड़ा इंटरेस्ट लगता है। भक्तिमन ठाकुर कहते झूमे झूमे तलाश वाली से यदि अन्य कथा पाओ अटिया साटिया कहो, अगर दूसरी बात अगर मिल जाता ना हमने इतना बड़ा भूत देखा हमने अरे इतना बड़ा भूत देखा था बोले सांप देखा इतना बड़ा अरे मैंने भी इतना बड़ा सांप देखा था देखना पूरा उसमें इतनी इंटरेस्ट आ जाए। लेकिन अगर बोले हरि नाम करो थोड़ी भजन करो बोले नींद आ रही और ये प्रेय पर है तो प्रेय मतलब जो अभी के लिए जो चीज हमें अच्छी लगती है। कहते श्रेय क्या है, श्रेय हुआ है जैसे नीम की पत्ता है देना बच्चे को पेट में खराब हो जाए ना मैया क्या करती है वो पहले कोई कड़ुआ चीज खिलाओ मुंह में चम्मच डाल करके वो दवा को कड़वी ना मुंह का चम्मच डाल करके जब तक वो दवा अंदर में नहीं जाता है वो चम्मच को छोड़ देना अंदर में ले जाएगा फिर उसको छोड़ेगा और बच्चा रोएगा बच्चा रोएगा लेकिन भैया को पता है अगर ये पेट में जाएगा तो इसका कल्याण होगा। इसलिए
प्रभुपाद कहते हैं हमें किस चीज का अनुसंधान करनी चाहिए, श्रेय अनुसंधान प्रयोजनीयता। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए, जो चीज हमें अभी अच्छी नहीं लगती, क्या अच्छी नहीं लगती है, भगवान के भजन अच्छी नहीं लगती, भक्ति हमें अच्छी नहीं लगती। इसलिए रूप गोस्वामी इसलिए हमारी जन्म जन्मांतर से अभी हमारे पीठ का रोग हो गया है, इसलिए मिश्री हमें अच्छी नहीं लगेगी। लेकिन डॉक्टर क्या कहता, पहले मिश्री खाया करो, हैं, धीरे धीरे तुम्हें कड़वी लगनी पर भी प्रभुपाद कहते हैं हरिनाम अभी करने के लिए हमें अच्छी नहीं लगता है, हरिनाम करने के लिए हमें अच्छी नहीं लगता है। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं अगर हरिनाम करते समय अगर तुम्हारी दूसरी दूसरी चीज चिंता होती है, इसलिए प्रभुपाद को तो चिंता की कोई बात नहीं। तभी माला लेकर के बैठो, हरिनाम करो, हरिनाम करते 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 धीरे 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 जब हमारे अविद्या दूर हो जाएगा धीरे धीरे, फिर तो नाम में बड़ा आनंद आएगा, बड़े आनंद आएगा नाम। इसलिए यह कह रहे हैं अभी हमें श्रेय का अनुसंधान करनी चाहिए, हैं, श्रेय का अनुसंधान। इसलिए हमारे त्रिविक्रम महाराज एक बात को बड़े जोर देते त्रिविक्रम महाराज कहते थे, बोले इस एक जीवन गुरु वैष्णव के सेवा में दो, एक जीवन गुरु वैष्णव के सेवा में दो, क्योंकि तुमने जो पहले पहले जीवन में जो करते करते आए वो विषय भोग करते करते आए, बल्कि इसी जीवन में उसको स्टॉप करो। उनको बड़ी भोग बात वो बड़े खंडन करते थे, हाँ, बोले जत मैथुना दी गृह में दी सुखम, ये श्लोक उनका बड़े प्यारी थी। जैसे खुजली होता है ना, खुजली आने की बढ़िया लगती है, लेकिन उसके बाद में जो ज्वलाना होती है, कहते जो मैथुन मतलब संसार का जो स्त्री संग जो सुख पहले तो अच्छी लगती है, लेकिन तुमको मरने का पहला तक भी दम नहीं छोड़ेगा, मरने का पहला तक भी दम तुम्हें छोड़ेगा नहीं है। अब अपना पिता माता सबको पूछ लो, संसार क्या आनंद आ रहा है, कितना सुख आ रहे हैं, लेकिन हम देखते हैं सबको तो दुख आया, कहते नहीं हम तो सुख ढूंढ लें, पिता माता दुख बैठे भोग किए हैं, कहते हम तो सुख ढूंढ लेंगे। इसलिए विश्वनाथ को ठाकुर एक उदाहरण दिया, जैसे चावल बन रहा है, अब देखना चावल हो गया कि नहीं, अगर एक अन्न को दबा लोगे ना वो पता चल जाएगा, एक अन्न अगर हो गया पता चलेगा पूरा तुम्हारी चावल पक गया, एक पक गया। इसलिए वो उदाहरण देते हैं हमारी जो पिता माता जी, पिता माता थे विषय भोग करते करते, कहते भैया उनको ही सुख संसार में सुख हम ढूंढ लेंगे, हम तो संसार में सुख हमें ढूंढ लेंगे हमको। इसलिए प्रभुपाद श्रेय अनुसंधान ही प्रयोजनीय है, इसलिए प्रेय का नहीं पर श्रेय का अनुसंधान करनी चाहिए, ये हमारी कर्तव्य है। यद्यपि भक्ति अभी हमें अच्छे नहीं लगेगी, लेकिन ये भक्ति को जोर जबरदस्ती करो, जोर जबरदस्ती करो। इसलिए त्रिविक्रम महाराज कहते थे संसार तुम्हारे लिए रिजर्व ऑलरेडी है, कुत्ते संसार का डंडा खा खा करके जीवन तुम्हारी उठ नहीं गया, कहते ये तो तुम्हारे लिए रिजर्व है, नहीं चांद पर भी तुमको यही रखा हुआ। लेकिन वो कहते अगर एक जीवन अगर एक जीवन ये चीज को तुम स्टॉप कर दोगे एक जीवन, तुम्हारी नए संस्कार बनेंगे। मेरे गुरु तो यही बोलते थे एक जीवन किसी तरह से मिलजुल करके ठाकुर का सेवा करते हुए जीवन बिता दो, क्योंकि हम लोग बगैर संस्कार के व्यक्ति है, बगैर संस्कार के व्यक्ति है, किसी तरह से गुरु वैष्णव चोटी पकड़ कर ले करके आ गए, केवल इतना ही है, हाँ इतना ही है, केवल कुछ नहीं है, थोड़ी सा मेरे विषय का सुख मिल जाए ना, देखना पूरा का पूरा भक्ति छूट जाती है, बस फिर विषय में फिर हम रम जाते, फिर विषय भोग में फिर मस्त हो जाते, भक्ति भक्ति पूरा के पूरा भक्ति छूट जाती है। इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे हम लोग तो सुनते स्नेह मान प्रणय राग अनुराग,
कहते भैया ये बड़ा दुर्लभ वस्तु है, त्रिविक्रम महाराज तो बड़े गाली देते थे कभी, है ऐसे चीज को बड़ी गाली देते थे। बोले भैया अभी हमारी ये स्थिति नहीं, हमारी स्थिति है गुरु वैष्णव की सेवा, ठाकुर की सेवा करते हुए भगवान के नाम कथा सुनते एक जीवन किसी तरह से बिताओ। हमारे गुरुदेव भी किसी तरह से बिताओ तो जीवन को बिता दो, क्या होगा तुम्हारे जो संस्कार बिगड़ते हुए संस्कार आया इस जीवन में संस्कार तुम्हारी बन जाएगी, पर संस्कार बनेगी कभी ये संस्कार कभी घट करके नहीं आएगी, कभी घट करके नहीं आएगी। इसलिए मीरा कहती है ना, दिन दिन बड़ा पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तभी सुना चाहू टीका में लिखते हैं जो भक्ति हर जीवन में आपको ब्याज समेत में आपको मिलेगी, इस जीवन में जो करेंगे अगले जीवन में ब्याज समेत मुख्य भक्ति पूरा के पूरा तुमको ब्याज समेत मिलेगी। इसलिए क्या करो, श्रेय पद को ढूंढो, प्रेय पद को नहीं। प्रेय वस्तु अभी के लिए तो तुम्हें अच्छी लगेगी, हैं अच्छी लगेगी, लेकिन वो अच्छी नहीं फिर तो विषय में। अगर एक जीवन हमारी नष्ट हो गई ये मानव शरीर, फिर तो बस फिर तो वही संस्कार अंदर में तुम्हारी, वही संस्कार तुम्हारी रह जाएगी, वो संस्कार अगले जीवन में फिर फलते फूलते भी फिर निकलेगा। जो करोगे तो वही तो भरोगे ना, जो करोगे वही भरोगे, फिर वो फिर अगले फलते फूलते पता नहीं अगले जीवन में भगवान मानव सर्व देंगे कि नहीं, ये तो कोई गारंटी नहीं। इसलिए कहते किंतु कहते प्रेय अति सुलभ किंतु श्रेय सहज लभ्य नहीं। इसलिए कहते जो प्रेय है अभी जो सुख तुमको लगती है कहते ये सुलभ है, संसार में यही सुलभ है, लेकिन श्रेय सहज लभ्य नहीं। इसलिए भक्ति सहज लभ्य नहीं है। इसलिए कहते श्रेय आत्मा जो भक्ति है इसमें क्या होगा, आत्मा प्रेय अच्छे, ये आत्मा के लिए अच्छा है। क्यों, यही आत्मा के धर्म यही है, भगवान का नाम कीर्तन भक्ति है यही आत्मा की यही धर्म है। किंतु बहिर्मुख मानस की प्रेय आत्मा श्रेय नाई, किंतु जो बहिर्मुख जो मानस की प्रेय है जो मन जिसको अभी सुख मानता है ये अच्छी है, लेकिन जो ये बहिर्मुखता है इसमें आत्मा की कोई कल्याण नहीं, आत्मा किसकी कोई कल्याण नहीं है, आत्मा की ये अधपतन है, ये अधपतन ही आत्मा की। कहते श्रीमद् भागवत बोलचे अनेक जन्मेर पर मनुष्य जन्म लाभ हुए थे सुतरा यह अत्यंत दुर्लभ। इसलिए भागवत में कौन सा श्लोक है ना, कहते लब्धवा सुदुर्लभमितं बहुसंभवान्ते मानुष्यम अर्थदम अनित्यपि अधीर त्रुणम जतेत नपतेत अन्नम सुत जावत निश्रसाय भगवत अन्यथा कल्पते क्वचित। इसलिए भागवत क्या कहता है, अनेक जन्म पर भगवान कहते हैं केवल ये मानव शरीर दुर्लभ नहीं, मानव शरीर सुदुर्लभ। इसलिए कहते हैं बड़े भागमान सतन पावा सुर दुर्लभ सदा कहती, मानव शरीर भारत हाँ भारत में हिंदू घर में कहती तो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। क्यों, कहते आप इसी जगत में पुण्य कर्म करके स्वर्ग पर जा सकते हो, लेकिन अगर कोई सोचे जैसे स्वर्ग गए जब हमारे पुण्य खत्म हो जाएगा फिर भारत में फिर मानव शरीर फिर मिल जाएगा, नहीं पुण्य कर्म तो स्वर्ग में जा सकते हो, लेकिन जब स्वर्ग का सुख भोग करने का बाद फिर कौन सा जीवन में जाओगे ये तुम्हारे हाथ में नहीं, वहां पर ऐसे कोई कर्म नहीं जो कर्म करके फिर तुमको ये मानव शरीर मिलेगा है, इसमें वहां पर ऐसे कोई कर्म है ही नहीं वहां पर। इसलिए देवता और विशेष करके अभी जो कलयुग है, अभी जो कलयुग है प्रभुपाद किस उपदेश में बताए, कहते जो
भागवत सत्य तृतीय द्वापर युग का लोग भी इसी कलयुग में जन्म लेना चाहते हैं, क्योंकि इस समय महापुण्य है। महापुण्य नहीं है, भगवान नारायण की भक्ति मिली, राम की भक्ति मिली, कृष्ण भक्ति तो मिली, लेकिन महापुरुष का भक्ति उनको मिली नहीं। और महापुरुष भक्ति में क्या विशेषत्व है, एक साथ में दो प्रकृति में सेवा मिलेगा।